संगीत बजाना और उसी संगीत से सुनने वालों का मंत्रमुग्ध करना भी अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसा ही कुछ कलाकारों से आज गुजरात तक आपको रूबरू करवाएगा, जिनकी कला के आप कायल हो जाएंगे। राजकोट के संगीत महाविद्यालय के छात्रों की कला के दीवाने हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत के एक्सपेरिमेंट करके एक अनोखी बीट इजाद की है, जिसके चलते ये काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस संगीत विद्यालय में छात्रों को तबले के साथ जुगलबंदी करने की तालीम दी जाती है, जिसमें सीखने वाले की उम्र पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ के तबला मास्टर 12 साल से लेकर 22 साल की उम्र के छात्रों को तबला बजाना सिखाते हैं। राजकोट के इस संगीत विद्यालय में करीब 90 साल से बच्चों को तबला, फ्लूट और अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तालीम दी जा रही है। एक वीडियो मैंने बनाया था बच्चों को लेके, एक सॉन्ग्स पे वादा ना तोड़, वो FB में मैंने डाला था, और एक साथ 15 बच्चे एक ही साथ इतना परफेक्ट परफॉर्मेंस ये करके, तो पूरे जहाँ भी ये वीडियो जिसने भी देखा वो सभी ने बहुत पसंद किया, लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद किया। तो उस दौरान मैंने शिव तांडव, ये शंकर महादेव जी का गाया हुआ है, उसमें एक्चुअली उसमें तबला है ही नहीं, वो कवर सॉन्ग नहीं था, वो मॉडिफाई सॉन्ग था, तो उसमें परक्यूशंस और एकदम वेस्टर्न पैटर्न थी, तो उसमें मैंने सब तबला की पैटर्न एडजस्ट करके उसको बनाया, और वो आजकल देश विदेश में, वो कृपा है भगवान की, बहुत इतना वायरल, इतना पसंद आया लोगों को, इतना आशीर्वाद मिला कि क्या कहे। संगीत विद्यालय में छात्र सालों से तबला की तालीम ले रहे हैं, और इसी बीच सभी छात्रों ने बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन के गाने तांडव पर तबले से जुगलबंदी की थी, जिसके बाद सभी छात्रों की सराहना भी हुई थी। विद्यालय में सालों से तालीम ले रहे छात्रों का मानना है कि यहाँ से अनोखे तरीके से सीखने के बाद भविष्य में प्रोफेशनल जिंदगी में काम करना आसान हो जाएगा। हम यहाँ जो तबला सीख रहे हैं, साथ में सब बजा रहे हैं, तो हम बड़े होकर जब प्रोग्राम का स्टूडियो में बजाएंगे तो वहाँ सब साथ में बजाते होते हैं तबला जुगलबंदी में, तो वो हम अभी से ही सीख रहे हैं। तो देखा आपने, तबले पर तांडव गाने से तालमेल बिठाकर इन सभी छात्रों ने जैसे गाने में फिर से जान फूंक दी हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर भविष्य में इनमें से कोई भी बड़ा और सफल तबला प्लेयर बनकर देश का नाम रोशन करेगा। राजकोट से नीलेश शिशांग्या की रिपोर्ट, गुजरात तक।